अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं परी खान को। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, जो दोगे वही तो पलट के आएगा, चाहे वो फिर मान हो या धोखा, उम्मीद हो या वसवसा, आंसू हो या मुस्कान, जफा हो या वफा, दुआ हो या दवा, आसानी हो या सहमत, सुकून हो या वहशत, रहम हो या ज़ुल्म व सितम, खुशी हो या गम, जो कुछ भी तुम दोगे वही तो तुम्हारे पास लौट के आएगा। इसीलिए दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो, तो अपनी बारी का इंतजार करो। हकीकत में तो हम मौका पाते अमल को भूल ही चुके हैं। हमें लगता है हम जो करते हैं वो वक्त गुजर गया, अब हम खुश रहेंगे, अब हम सुकून से रहेंगे। हकीकत में ऐसा नहीं है, मकाफाते अमल मौजूद है इसी दुनिया में। जो बोया है वो काटना भी तो है, वक्त आता है पलट के जरूर आता है। वो अलग बात है कि हम उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अगर गौर करें ना तो अपनी हर बड़ी परेशानी और अज़ियत के पीछे कोई मकफाते अमल नजर आएगा। अब मकफाते अमल कह रही हूँ तो ऐसा सोचना नहीं कि वो किसी के साथ बड़ी ज्यादती है। मकफाते अमल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने नादानी में, जानते हुए या अनजाने में किसी का दिल दुखाया। जब आपने किसी का दिल दुखाया तो कुछ इस तरह दुख गया कि उसके मुंह से आह निकल आई। वो जो दिल से आह निकलती है ना, वो अर्श की बुलंदियों तक जाती है। और क्या पता वो वक्त, वो घड़ी कबूलियत की घड़ी हो और उसकी आह रब ने सुन ली हो, और मकाफात बनके वो कुछ वक्त बाद या बहुत वक्त बाद आपके सामने आ खड़ी हो। इसीलिए अपने हाथ जुबान से सामने वाले शख्स की हिफाजत की। हिफाजत करना और उसके दिल की हिफाजत करना कोई बुरी बात नहीं। इन लफ्जों से अगर बचा जाए जो किसी का दिल दुखा दे तो कोई बुरी बात नहीं। इन नजरों से बचा जाए जो किसी की इज्जत को पामाल करे या किसी का दिल, किसी का नफ्स मजरूह करे या उसके जहन पे दबाव डाले, अगर इन सब बातों से बचा जाए कोई बुरी बात नहीं। क्या पता आज आपका अच्छा अमल एक नेकी कुछ वक्त बाद बेहतरीन सवाब और हिसाब के साथ आपके सामने खड़ी हो और आप अपने रब का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें लोगों में आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ रहिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा लाने की बात।